दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का एजुकेशन पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं रेलवे NTPC और ग्रुप डी भर्ती को लेके, जो बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रेलवे NTPC की जो परीक्षा तिथि है वो आखिरकार घोषित कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि आखिरकार NTPC जो है, रेलवे बोर्ड जो है, NTPC और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के जो एग्ज़ाम है वो कब कराएगी। तो दोस्तों वो दिन आ चुका है, अब NTPC परीक्षा की तिथि जो है यहाँ पे 1 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक घोषित की गई है। यानी कि NTPC का जो एग्ज़ाम है 1 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक चलने वाला है। तो दोस्तों अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इस बार रेलवे पार, यानी कि इस बार रेलवे ग्रुप डी और NTPC की जो वैकेंसी है काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, जिसके कारण नौकरी मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में NTPC भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक धैर्य बना के बने रहना। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करूँ, उससे पहले आप सभी भाई बहनों से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, अगर आप भी एक NTPC की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार के NTPC से जुड़ी पल पल की अपडेट और पल पल की खबर अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पर क्लिक करके इस तरीके से इस सब्सक्राइब को आप कर लेना। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में राइट साइड में आपको इस तरीके से एक बेल या छोटे से घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर लेना। इससे दोस्तों ये बेनिफिट होगा, जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट एग्जाम भर्ती को लेके NTPC या ग्रुप डी को लेके कोई भी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आती है, उसका वीडियो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में अपने YouTube चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख पाएंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के ऐसी प्रकार की रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट जान सके। तो चलिए NTPC को लेके क्या बड़ी अपडेट आ रही है एग्जाम तिथि को लेके करते हैं उसकी बात। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019। अगर दोस्तों आपने RRB NTPC का फॉर्म भरा है तो जानिए क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, कब इसकी वैकेंसी यानी कि कब इसका परीक्षा जो है करवाने वाली है। 8 अक्टूबर 2019 की अपडेट है, उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से एक दिन पहले विजिट कर लें, जिससे कि परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की देरी न हो। एग्जाम सेंटर पर तय समय के देर से पहुंचने पर उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो है NTPC को लेके यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद हम आपसे बात करें तो RRB NTPC के तहत रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट जो है एडमिट कार्ड जारी होने के बाद RRBCDG.gov.in से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये जो साइट दिखाई दे रही है, इस साइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इसकी जो तिथि है वो यहाँ पे घोषित कर दी गई है। यह एडमिट कार्ड जो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के लिए जारी किया जाएगा। CBT 1 में अलग अलग विषयों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। NTPC CBT 1 पास होने के बाद ही CBT 2 के लिए अभ्यर्थियों को जो पास हुए हैं उनको ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। CBT 2 के लिए अलग एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, अभी भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, सिर्फ CBT 1 के लिए ही आपसे सबसे पहले एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से हम बात करने वाले हैं अब NTPC को लेके क्या क्या बड़ी अपडेट आ रही है। तो NTPC एग्जाम एडमिट कार्ड 2019 किस पद पर मिलेगी, कितनी सैलरी। तो सबसे पहले जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के अंतर्गत 19,900, उसके बाद अकाउंटेंट कलर के अंतर्गत 19,900 और जूनियर टाइम कीपर के 19,900। यानी कि ये यहाँ पे सैलरी का विवरण दे रखा है, कितने कितने डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। सबसे ज़्यादा सैलरी जो है यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस यानी कि 35,400 और स्टेशन मास्टर की 35,400 यहाँ पे वैकेंसी यानी कि सैलरी जो है यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद हम आपसे बात करें तो इतने पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है परीक्षा। तो दोस्तों हाल फिलहाल में
13,487 पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत जूनियर इंजीनियरिंग के 12,844 पद और आईटी के 29 पद, सुप्रिंटेंडेंट पद के 227 पद और इसी के साथ मेटलर्जिकल सहायक यानी कि असिस्टेंट के 387 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। मेडिकल फिटनेस टेस्ट की भी प्रक्रिया इसमें शामिल की गई है, यानी कि फिजिकल के बाद इसका मेडिकल टेस्ट भी आपको देना होगा, जिसमें पास होने के बाद आपको टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं CBT 1 के एडमिट कार्ड, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रखा है कि अगले सप्ताह यानी कि हम बात करें तो दीपावली के बाद जो है CBT 1 के एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जा सकते हैं। परीक्षा के एडमिट कार्ड इसी माह यानी कि अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाला है, क्योंकि नवंबर में इसके जो एग्जाम है स्टार्ट है, इस कारण से अक्टूबर माह में इसके एडमिट कार्ड जारी होने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। उम्मीदवारों का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक जो है आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी जो डिटेल है इनपुट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताऊँ तो आयु सीमा जो है 18 से 30 वर्ष तक यहाँ पर रखी गई है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है योग्यता के अंतर्गत, ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर NTPC के अंतर्गत मांगा गया है। उसके बाद हम बात करें तो ये गलती की तो नहीं जारी होगा आपका एडमिट कार्ड। दोस्तों जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है वे अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर ले। एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा जिनका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किए गए आवेदन के लिए एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है जिनका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। अगर आपने अभी तक NTPC एप्लीकेशन का स्टेटस चेक नहीं किया है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है तो आप वो चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो उसकी आपको मिल जाएगी, देख ले। ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी किस प्रकार से आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन, तो दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार को स्क्रीन पर एक बार में एक ही सवाल दिखाई देगा, उम्मीदवार सवाल का जवाब दे सकते हैं या सवाल को स्किप करके अगले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। उम्मीदवार एक बार में एक ही सब्जेक्ट के सवाल देख पाएंगे, पूरे 20 मिनट होने पर अगला सब्जेक्ट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पे बड़ा अपडेट किया गया है ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत। एक दिन पहले कर ले एग्जाम सेंटर का विजिट। दोस्तों आप सभी जो है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आता है उससे एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर पता कर ले कि कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। परीक्षा के हर चरण के लिए जारी होगा अलग एडमिट कार्ड, यानी कि चयन परीक्षा के हर चरण में यानी कि फिजिकल के लिए अलग एडमिट कार्ड, मेडिकल के लिए अलग एडमिट कार्ड, CBT 1 के लिए अलग और CBT 2 के लिए अलग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग, यानी कि हर प्रकार की जो भी एक्टिविटी होंगी सभी एक्टिविटी के लिए अलग अलग प्रकार का एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा, रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसके बाद हम बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं आवेदन। दोस्तों NTPC के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन इसके अंतर्गत वैकेंसी जो है 35,208 कुल वैकेंसियां हैं, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ये स्टेप जो है फॉलो करनी होगी। तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी RRB की जो ओरिजिनल मेन साइट है उस साइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट के होम पेज पर RRB NTPC एडमिट कार्ड के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहां पे भरनी होगी। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस भी यहाँ पे बताई गई है किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक, तो दोस्तों आपको ये जो साइट दिखाई दे रही है indianrailway.gov.in, इस साइट का जब आप विजिट करोगे तो आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सप्ताह हो सकते हैं आधिकारिक घोषणा यहाँ पर की गई है कि एडमिट कार्ड जो है अक्टूबर माह में जून से सितंबर के बीच आयोजन की जाएगी, मगर बोर्ड में देरी के चलते यहाँ पे इसकी जो परीक्षा तिथि है वो अब नवंबर दिसंबर में यहाँ पे कर दी गई है, नवंबर दिसंबर में इसकी जो परीक्षा होनी है। CBT 2 एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूँ तो CBT 2 एग्जाम
फर्स्ट क्लियर होने के बाद आपको सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 120 मिनट तक इसे बढ़ाया जा सकता है जो अभ्यर्थी विकलांग कैटेगरी में आते हैं। गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, जिसके तहत 3 प्रश्न आपके अगर गलत होते हैं तो एक जो आपका सही प्रश्न है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसका नंबर जो है आपसे काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी NTPC के एडमिट कार्ड एग्जाम परीक्षा पैटर्न यानी कि हर प्रकार की जानकारी। अगर आपने NTPC का एग्जाम भरा है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों इसी प्रकार की आने वाली खबर सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आपको इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में आपको एक छोटे से बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप मिस न करें। और दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वाले दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के NTPC की पल पल की अपडेट जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेस्ट और ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए पहले देखो पहले सीखो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।